हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एनआरडीसी यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज के नोट्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, उससे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। 10,000 सब्सक्राइबर्स हम पूरे कर चुके हैं, हमारी 10,000 की फैमिली हो गई है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है एनआरडीसी यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आइए बात करते हैं, तो एनआरडीसी क्या है। एनआरडीसी यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपका एस्टेब्लिश किया गया था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू प्रमोट, डेवलप एंड कमर्शलाइज द टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना और उसको कमर्शलाइज करना, इसका मेन मोटिव है। ठीक है, प्रेजेंटली वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी करेंटली कहाँ वर्क कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो है साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डिपार्टमेंट में ये अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहा है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एनआरडीसी यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो आपका ओवरऑल एरियाज में सारी इंडस्ट्रीज में आपका जो है यूज किया जाता है। सबसे पहले आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी फील्ड में, सारी इंडस्ट्रीज में, लगभग सारी इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं एनआरडीसी का। ठीक है, इट हैज लाइसेंस्ड द इंडिजियस टेक्नोलॉजी, यानी ये आपका जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है ये आपका लाइसेंस्ड है टू मोर देन 4800 एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल्सो हेल्प टू एस्टेब्लिश लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। यानी ये जो एनआरडीसी है वो आपका स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है। ठीक है, जो आपके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें भी आपका स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए था, यहाँ भी हम स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इसको हम यूज करते हैं एनआरडीसी को। ठीक है, इट ऑल्सो इनकरेजेस द एडवांस रिसर्च फॉर इन्वेंशन एंड प्रमोशनल प्रोग्राम्स, यानी ये आपका जो भी प्रमोशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जो इन्वेंशन होते हैं, उसको भी इनकरेज करता है, उसको भी प्रोत्साहन देता है। ठीक है, एनआरडीसी हैज ऑल्सो सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज टू बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी एनआरडीसी सिर्फ बनाता नहीं है, सिर्फ रिसर्च को बढ़ावा नहीं देता है, ये आपका जो भी आपके डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, एनआरडीसी का ये भी काम है। तो एनआरडीसी आपने क्या समझा कि ये आपका 1953 में एस्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना, डेवलप करना, कमर्शलाइज करना। ठीक है, और प्रेजेंटली कहाँ वर्क कर रहा है, ये जो आपका साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। ठीक है, ये आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट, एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, केमिकल, सारी आपके लगभग सभी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका एडवांस रिसर्च को भी यानी इन्वेंशंस, प्रमोशनल प्रोग्राम्स को भी इनकरेज करता है, और ये आपका क्या है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने का भी काम करता है। आगे देखते हैं, अब ये देखिए, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपका जो एनएसआईसी है इसका डायग्राम है ये। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो अब देखते हैं एनआरडीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। एनआरडीसी का ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन ऑफ आवर पीपल, यानी जो हमारे लोग हैं उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, अपग्रेडिंग ट्रेडिशनल स्किल्स, जो भी ट्रेडिशनल स्किल्स है उसको अपग्रेड करना, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की उसको इंक्रीज करना,
ये कैसे होगा? जब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, रिसोर्सेज को अपग्रेड करेंगे, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, सैनिटेशन और हेल्थ केयर इनको भी इम्प्रूव करता है एनआरडीसी। एनआरडीसी के फोर फंक्शंस होते हैं आपके, बेसिकली फोर एरियाज होते हैं। पहला होता है कमर्शियल फंक्शन, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी इवेलुएशन, लाइसेंसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडिंग ग्रांट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंसल्टेंसी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी आता है इसके अंदर। और एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी यानी इंडियन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी का इवेलुएशन, टेक्नोलॉजी का लाइसेंसिंग, ये सब कुछ कमर्शियल फंक्शंस में आता है इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन के अंदर क्या होता है एनआरडीसी में? एनआरडीसी में प्रमोशनल फंक्शन के अंदर है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी जो स्वदेशी टेक्नोलॉजीज हैं उसको प्रमोशन करना, उसका डेवलपमेंट करना, ये आपका इसका फंक्शन है। हेल्पिंग इन पेटेंटिंग कमर्शलाइजिंग देयर इन्वेंशंस, जो इन्वेंशंस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उसका पेटेंट करना, उसका कमर्शलाइजिंग करना, उसमें हेल्प करता है हमारा एनआरडीसी। ठीक है, टू आइडेंटिफाई प्रूफ एंड डिमॉन्स्ट्रेट सेलेक्टेड रूरल हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारे रूरल हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना इसका काम होता है, उसको आइडेंटिफाई करना। अवॉर्डिंग मेरिटोरियल इन्वेंटर्स यानी मेधावी आविष्कार जो होते हैं उसको पुरस्कृत करना भी प्रमोशनल फंक्शन के अंतर्गत आता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंक्शन के अंदर क्या आता है? तो इसका काम क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में? पॉपुलराइजिंग इंडिजियस टेक्नोलॉजी यानी जो अभी हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है उसको पॉपुलराइज करना, फेमस करना, बाय पार्टिसिपेशन अरेंजिंग एग्जीबिशन, यानी एग्जीबिशन लगा के हम उसको पॉपुलराइज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्वदेशी एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी, यानी हमें बताना होगा कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी जो है वो कितना बेटर है फॉरेन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स यानी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हमारा आएगा किसके अंदर? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंक्शन के अंतर्गत। अब आप देखते हैं टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट प्रमोशनल फंक्शन के अंतर्गत क्या है? हाईलाइटिंग इंडिया एज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी बताना होगा कि इंडिया जो है वो हमारा सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। फिलिंग पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर इंडियन प्रोडक्ट अब्रॉड, यानी जो हमारा अब्रॉड में प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उसका पेटेंट प्रोटेक्शन करना। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेमिनार, इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेमिनार में भी हमारा पार्टिसिपेट करता है। प्रिपेयरिंग ब्रोचर्स लेटर्स एंड सीडी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें भी इसकी हेल्प करता है। तो ये आपके सब एनआरडीसी के फंक्शंस हो गए, फोर फंक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आऊंगी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे जुड़े, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।